हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे प्रियंका गांधी की और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की। उन्होंने एक इमोशनल मैसेज आज के दिन प्रियंका गांधी के लिए लिखा है और उस इमोशनल मैसेज को आपको पढ़ाएंगे। आज खास दिन है प्रियंका गांधी के लिए। आज राहुल गांधी के साथ वो निकली हैं लखनऊ में रोड शो के लिए। एक तरह से पहला दिन है, आगाज है यूपी की राजनीति में, भारत की राजनीति में। और वो मैसेज रॉबर्ट वाड्रा का मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। ये रॉबर्ट वाड्रा का मैसेज है। बाकायदा उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा है कि प्रियंका एंटर्स पॉलिटिक्स, और प्रियंका गांधी को बाकायदा टैग किया है। ये उनका ट्विटर अकाउंट है और लिख रहे हैं माई बेस्ट विशेज टू यूपी पी। ये कई बार वो प्रियंका गांधी को पी लिखते आए हैं। ऑन योर न्यू जर्नी ऑफ वर्किंग इन उत्तर प्रदेश एंड सर्विंग द पीपल ऑफ इंडिया, यू हैव बीन माई बेस्ट फ्रेंड एंड ए परफेक्ट वाइफ एंड द बेस्ट मदर टू योर चिल्ड्रन। देर इज़ अ वेरी विंडिकेटिव एंड विशियस। यहाँ सावधान कर रहे हैं वो कि कैसा माहौल है, पॉलिटिकल माहौल इस वक्त कैसा है। बट आई नो इट्स हर ड्यूटी टू सर्व द पीपल एंड नाउ वी हैंड ओवर टू द पीपल ऑफ इंडिया, प्लीज़ कीप हर सेफ। वो लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ कीप हर सेफ। ये फ़ोटो भी लगाया उन्होंने और ये आप देखेंगे, ये उन्होंने पूरा जो पोस्ट है वो दरअसल शेयर की है। ये पोस्ट उनके फेसबुक अकाउंट से ली गई है और ट्विटर अकाउंट पे शेयर की है। मैं आपको पहले वो फेसबुक अकाउंट दिखा रहा हूँ जहाँ उन्होंने एक घंटे पहले, जब हम बता रहे हैं उससे पहले, ये पूरी पोस्ट शेयर की है, लिखा है यहाँ पर, और इसी उसका स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया। अब ऐसे में लोग कह सकते हैं कि ट्विटर अकाउंट क्योंकि ब्लू टिक होता है, जैसे कि प्रियंका गांधी के में ये ब्लू टिक दिखाई दे रहा है जो इसको वेरीफाई करता है, तो वो रॉबर्ट वाड्रा के में नहीं है। तो मैं आपको यही एक बार और बताना चाहूँगा कि जो इनके फॉलोअर्स हैं, जिन 24 फॉलोअर्स को मैं जानता हूँ, उनमें आप देखिए कौन कौन लोग हैं। प्रणव झा एआईसीसी सेक्रेटरी हैं और ये जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है कांग्रेस का, उसके हेड एंड ब्लू टिक है इनका। प्रणव झा इन्हें फॉलो कर रहे हैं, यानी प्रियंका गांधी के हस्बैंड के तौर पे। सिमी ग्रेवाल मशहूर एक्ट्रेस हैं, ये मोनिका वटेरा जो कजिन है रॉबर्ट वाड्रा की, वो भी कर रही हैं। ये उनके हस्बैंड हैं तहसीन पूनावाला, वो भी कर रहे हैं। और ये उनके तहसीन पूनावाला के भाई हैं सहजाद, ये कर रहे हैं। और ढेर सारे जर्नलिस्ट आप जानते होंगे, इनके नाम सुने होंगे सबके, अलका लांबा, ये सारे जर्नलिस्ट को आप जानते होंगे। तहसीन पूनावाला ये भी फॉलो कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा फॉलो कर रहे हैं जो हरियाणा के नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं। और ढेर सारे नेता और इवन देखिए बड़े बड़े जर्नलिस्ट उन्हें फॉलो कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि रॉबर्ट वाड्रा भले ही एक तरह से उन्होंने वेरीफाइड नहीं करवाया अकाउंट, लेकिन वो लगातार सक्रिय रहते हैं। इस ट्विटर अकाउंट पे अगर आप जाएंगे तो ढेर सारे उनके पर्सनल फोटोज़ जहाँ पे वो किसी में समाज सेवा करते दिखेंगे, कहीं बच्चों के साथ होंगे, कभी प्रियंका गांधी को बर्थडे विशेस देते दिखाई देंगे, वो इस पर मौजूद रहते हैं। और आज उन्होंने राजनीति में जो आगाज हुआ है प्रियंका गांधी का एक तरह से सक्रिय रूप से, तो उसमें उनके लिए ये इमोशनल मैसेज लिख के भेजा है। उम्मीद है प्रियंका गांधी को टैग किया है तो शायद प्रियंका गांधी जवाब दें, अगर वो जवाब देती हैं, क्योंकि ट्विटर पर अभी उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, तो एक तरह से वो रॉबर्ट वाड्रा के अनऑफिशियल अकाउंट को वेरीफाइड भी कर देंगी अगर वो जवाब देती हैं। तो अगर प्रियंका गांधी कुछ रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पहली बार इस तरह से ट्विटर पे, क्योंकि वो आई पहली बार हैं ट्विटर पे, तो उस तरह से टैग किया है उनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा ने, अगर वो इस पर कुछ रिप्लाई करती हैं, लाइक करती हैं या और भी कुछ रिएक्शन देती हैं, तो आपको जरूर बताएंगे। अब देख रहे इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।